हम लोग के साथ ही क्यों ऐसा होता है? चाटो होगा ना तेरा? ए नहीं गाइस, चाटो खाया हिरन ने, हिरन जो कि मतलब टोटल 6 पोरोटा मतलब 6 पोरोटा उसने खाया। और सर पास हमारा तो बॉस है, बॉस ज्यादा नहीं खाता है, बॉस सिर्फ 10 तो शायद खाया होगा क्योंकि दाम तो बहुत ही कम है, प्राइस 2 रुपया करके एक है। आज ये टी नतुन जगार होते मैं अपने लोगों को स्वागतम करी स्टार्ट कर मोर यूट्यूब चैनल। सो गाइस पहले मैं अपना खुद का इंट्रो दे ही देता हूँ। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सब कोई ठीक ही होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल मेट ब्लॉगर। तो गाइस आज बेसिकली निकले हैं जाने के लिए। वैसे तो गाइस आप लोग को पता ही है आज है जन्माष्टमी, जो कि मतलब किशन भगवान का जन्मदिन आज ही है। मतलब आज के दिन में ही हम लोग का मतलब सबका पूजे जाने वाले किशन जी हम लोग इस पृथ्वी मतलब इस अर्थ में आए थे। सो गाइस इसीलिए जाएंगे एक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग जगह पे। सो गाइस आज तो अकेले नहीं जाएंगे, हमारे साथ बहुत कोई है। तो गाइस मैं आप लोगों को दिखाऊंगा सबको धीरे धीरे करके। तो मतलब गाइस यही कि आज मैं आप लोगों को रास्ते का सूत उतना नहीं दिखाऊंगा गाइस, क्योंकि तो दिखाने का कोई रीज़न भी नहीं बनता है। तो डायरेक्टली मैं यहाँ से आप लोगों के साथ मिलता हूँ मंदिर में जाने के लिए। तो गाइस कौन सा मंदिर है मैं आप लोगों को सिर्फ इतना हिंट दे देता हूँ गाइस, कौरवों का ही एक बहुत ही अच्छा और जाना गिना चुना गाइस मंदिर है। तो वहाँ पर जाएंगे, तो आप लोग भी बने रहिए मेरे साथ इसी वीडियो में मेरे साथ। चलते चलते अभी हम लोग टोल प्लाजा तक आ चुके हैं गाइस, आप लोग यहाँ पे देखिए यही है टोल प्लाजा जो कि बिजनी क्रॉस करने के बाद आप लोग को मिलेगा। तो आप लोग गाइस देख सकते हैं यहाँ पे व्यू, क्यों तो मतलब देखने में बहुत ही सुंदर है, लाजवाब मक्खन के जैसा व्यू है। तो गाइस जैसा कि हम लोग का टू व्हीलर है इसलिए हम लोग को कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा टोल प्लाजा का, तो डायरेक्टली यहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि हम लोग का जाना भी है डेस्टिनेशन की ओर। तो गाइस फिलहाल अभी हम लोग चलते चलते मानस रिवर के सामने आ चुके हैं। जैसा कि गाइस पहले तो हम लोगों ने क्रॉस किया ब्रिज नहीं, ब्रिज के बाद ही गाइस जो पड़ता है कि मानस रिवर का ब्रिज, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये वो ब्रिज। तभी यहाँ पे मतलब थोड़े टाइम के लिए रुके हैं, देन इसके बाद यहाँ जाएंगे गाइस। और मतलब इसके बाद हम लोग को पड़ेगा पतला दहो, देन उसके बाद ही शोरबोक। तो गाइस आज तो बहुत ज़्यादा ही धमाका होगा, आप लोग भी बने रहना मेरे साथ। तो गाइस फिलहाल अभी चलते चलते अभी गाइस आ चुके हैं मणिकपुर में। मतलब गाइस यहाँ पे रुकने का रीज़न एक ही था, जो कि मतलब गाइस यहाँ पे आके मेरा एक मतलब बहुत ही पुराना क्या ही बोले स्थिति मुझे अभी याद आ गया है, जो कि गाइस मैं वैक्सीन देने के लिए गाइस यहाँ पे आया था। आप लोग तो वो वाला ब्लॉग ऑलरेडी देख ही चुके हैं, अगर अभी तक अगर गाइस आप लोग नहीं देखे तो प्लीज़ जाके आप लोग देख लेना, वो भी गाइस चैनल पर है ही। और गाइस यहाँ पे मैं आप लोग अभी दिखाता हूँ गाइस, जैसे कि मैं तो अभी आज अकेला नहीं आया, तो गाइस यहाँ पे है मेरा फ्रेंड, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं है मोनो, देन इसके बाद हिरोनो, और यहाँ पे है हम सबका बॉस विनोन। विनोन भाई क्या कब ने कि सके तो गाइस आप लोग इतने चाह पे मैंने अलग अलग मुखते आए गाइस, जी तो आम है बेहद ना पा दे हिंदी चेनेल बट अलमान कह दूँ। तो गाइस आप लोग फिलहाल देख सकते हैं यही है वो जगह मतलब मणिकपुर मैं जब आया था गाइस यहाँ पे आने के बाद, देन इसी रास्ते से गया उसके बाद अपना वैक्सीन दिया। तो गाइस फर्स्ट मेरा तो फर्स्ट वैक्सीन तो गाइस मेरा कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड वाला है गाइस वो भी दूंगा बाद में। तो अभी यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं रुक के डायरेक्टली चलते हैं मेन डेस्टिनेशन की ओर। जैसा कि गाइस आज तो हम लोग जाने के लिए मतलब आए हैं, जो कि आप लोगों को शायद पता ही है, मैंने आगे भी आप लोगों को बोला था शॉर्ट बुक। तो गाइस ज़्यादा देरी नहीं करते हो डायरेक्टली चलते हैं। हाय राम, इतना बारिश सोचा नहीं था कि ऐसा होगा हमारे साथ। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मतलब चलते चलते अभी बारिश ऑलरेडी आ चुका है, जैसा कि मतलब क्या ही बोलूँ आप लोगों को। तो अभी तो आगे तक जा नहीं सकते इसलिए फिलहाल किसी एक जगह पे जाके रुकते हैं पहले, उसके बाद ही गाइस जाएंगे शोरबोक के लिए। तो गाइस मतलब इतना ज़्यादा बारिश था सो फिलहाल अभी तो यहाँ पे आके रुके हैं, और यहाँ पे है विनोन जो कि मैं अभी विनोन को कुछ शायद बोलूँगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं भीगने के कारण विनोन का भी हाल मतलब कैसा हो चुका। और यहाँ पे है हम लोगों का भाई जो कि सबका बॉस, तो बॉस भी अभी मतलब यहाँ पे हम लोग विनोन का फेस देखिए सिंगल बॉस, और बॉस सिंगल है गाइस। अगर आप लोग कोई है चैनल में लड़की, आप लोग अगर पसंद है बॉस को तो आप लोग प्लीज कमेंट करना। तेरा तो अभी बेस्ट है अपने काम में। अच्छा विनोन यहाँ की खाबो चाह खाबो ना कि तुम्हें? ओ আমার ইয়াতে আৰু আপোনালোকে চাব পাৰে এলা পৰোটা তো আহি পাইছে, মানে আমি লগা পৰোটা যে অৰ্ডাৰ দিয়া থাকো আমি আছো গৈ বস ফাইনালি আমি মতলব পৰোটা খা ৰাহা না তো খতমি হৈ চুকা হে আপোনাক দেখ সকতে আৰু সাথে সাথে আমি সিংগাৰা ভি আছো গৈ কিবা বিনন পুৰা খাৰা ডাবাকে ডাবাকে ইছনে গাই
टोटल इसने गाइस आप लोगों को मैं अभी बोलता हूँ, और उसके साथ गाइस यहाँ पे मिठाई भी है। कितना खाए भाई आज परोठा? यहाँ पे चार ठो होगा ना तेरा? ए नहीं गाइस, चार ठो खाया हिरन ने, हिरन जो कि मतलब टोटल सिक्स परोठा, मतलब छः ठो परोठा उसने खाया। और सर पास हमारा तो बॉस है, बॉस ज़्यादा नहीं खाता है, बॉस सिर्फ 10 तो शायद खाया होगा, क्योंकि दाम तो बहुत ही कम है, प्राइस 2 रुपया करके एक है। तू हॉस्पिटल का बेड एडमिट कर दे अभी से, बुकिंग कर दे। तो यहाँ पे चाय भी है गाइस, आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों तो पल भर थोड़ी देर में, थोड़ी देर आके मुझे मारने वाला था। तो गाड़ी गाड़ी का टक्कर होने वाला था, गोपाल भर चला रहा था और डायरेक्ट आगे मतलब इसे पूरा लगा देने ही वाला था। मैं बोला गोपाल भर ऐसे बोला तो तब उसको होश आया, कहाँ देख के गाड़ी चलाता है मुझे मालूम नहीं है। तो गाइस सर मतलब हमारे सामने चाय, जो कि आप लोगों को तो पता है आपका भाई चाय नहीं पीता है, तो इसलिए तो मैं तो दिखा नहीं सकता। अच्छा भाई पीता हूँ ना, चाय पी के कैसा लगा तुझको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और हिरोन तुमको? अच्छा है बहुत। हम लोग आसाम का, प्योर आसाम का है, हम लोग चाय नहीं पिएगा तो कौन पिएगा? तो मैं क्या बंगाल का हूँ? तो दीदी का बोला है, तो तारों के नीचे गाइस देखिए क्या बोलता है। गाइस एक बात है, अगर तारों के नीचे से भी आएंगे तो परमिशन लेके आएंगे, बजरंगी भाईजान है हम। अरे तुम्हारी परमिशन बजरंगी भाईजान नहीं हो सकता है, अब बोलेगा नहीं। तो बस सब कुछ तो खाना हो गया है, जैसे ही परोठा खाया था और उसके साथ में सिंगारा, और तो ज़्यादा कुछ नहीं खाया। तो अभी सिंगारा का आप लोग देख सकते हैं सिर्फ एक छोटा सा ही बीट बाकी है, तो सोचे कि खा लेते हैं। वैसे तो गाइस खाने का स्टाइल भी मेरा अलग ही है, आप लोग अभी देख सकते हैं। बिनो क्या बोलता है भाई, खाऊंगा कि नहीं? खाएगा ही तू, शायद क्यों नहीं खाएगा, तू तो खाने के लिए पूरा एक्सपर्ट है। 380 का पौधा खाया तू, भाई और ज़्यादा नहीं। तो बस ट्रेवलिंग करते करते जब मतलब शोरबुक तक आए गए, तब मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही बारिश था, बारिश के कारण यहाँ पे रुके थे। लेकिन उसके बाद चाय के दुकान में गए, जाके गए कुछ खाया जो कि आप लोगों ने तो देखा ही। अभी फिर मतलब अभी निकल जाएंगे जो कि हम लोग का फाइनल डेस्टिनेशन है। तो गाइस मैं अभी आप लोग को दिखा देता हूँ एक चीज़, तो आप लोग देखिए यहाँ पे, तो देख सकते हैं आप लोग गाइस यहाँ पे जो मतलब बारिश हुआ था इसके लिए, यहाँ पे आप लोग पानी को देखिए, इसके इसमें भी देख सकते हैं। और गाइस हमारे में भी है पानी, तो गाइस अभी डायरेक्टली जाएंगे यहाँ से इसी डायरेक्शन पे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं ना। तो गाइस फाइनली मैं अभी आ चुका हूँ सर्वो की इस मार्केट पे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। फिलहाल मैं तो विनोन के साथ में हूँ, जो कि विनोन का एपिला 150। तो गाइस अभी मतलब रास्ते पर तो पूरा ही भीड़ है, आप लोग शायद अभी देख पा रहे होंगे, मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। तो गाइस आप लोग देखिए रास्ते में मतलब कितना ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि आज सबको ही जा रहा है एक ही हम लोग का जो डेस्टिनेशन है सब जगह पे। और आज तो गाइस ज़्यादातर मतलब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरा बाइकर्स का भीड़ है, और साथ में ही मतलब प्यार का पंछी, आप लोग आज क्या ही बोलूँ, सब कोई प्यार का पंछी आज जाएगा इसी एक रास्ते से। गाइस आप लोग इस जैम को देखिए, मतलब कितना ज़्यादा जाम हो चुका है आज। तो गाइस वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा ही भीड़ था, इसी कारण अपनी स्कूटी को वहाँ पे रख दिए। और अभी क्या करेंगे गाइस, इतना भीड़ के कारण अभी पैदल ही चल रहे हैं। पीछे में तो है मेरा गैंग, जो कि अगर मेरा कुछ हुआ तो सबको ये है मुझे बचाने के लिए। गाइस आप लोग मत सोचो, बचाएगा ना मुझे? यस यस। हाँ तो गाइस इन लोगों की वजह से ही आज आया। तो वैसे तो गाइस अभी आ ही चुके हैं मंदिर में, मंदिर का मतलब ज़्यादा दूर नहीं है मंदिर। और मैं अभी आप लोगों को बोल देता हूँ मंदिर का नाम क्या है। गाइस मंदिर का नाम है गोरखिया गुहा स्थान, तो आप लोगों को मैं अभी दिखाऊंगा, आप लोग सिर्फ बने रहिए मेरे साथ। तो गाइस फाइनली अभी मंदिर पर आ चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं भीड़ तो मतलब बहुत ही ज़्यादा है। जैसा कि भीड़ तो गाइस हो गई, आज है जन्माष्टमी, सो इसीलिए गाइस हम लोग भी आए हैं। और गाइस आप लोग यहाँ पे देखिए ये मंदिर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अच्छे से गोरखिया गुहाई स्थान, मतलब मंदिर का नाम आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइस फाइनली अभी मंदिर के अंदर में आ चुके हैं, आप लोग यहाँ पे देखिए मतलब यहाँ पे भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा है। तो गाइस आज तो भीड़ तो होगा ही, जैसे कि गाइस आज है मतलब बहुत ही एक अच्छा दिन है गाइस, इसलिए आज तो भीड़ होगा ही और बनता भी है गाइस। तो आज ऑलरेडी आ चुके हैं हम सब कोई, तो आप लोग यहाँ पे देखिए, आप लोगों को मैं जितना हो सके दिखाऊंगा। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मतलब एक छोटा सा है मंदिर के साइड में ही, मतलब पौन के जैसा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं फुकुर। तो गाइस फिलहाल अभी यहाँ पे मतलब थोड़ा टाइम के लिए रेस्ट कर रहे हो, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं साइड में। और सामने ये भाई जो कि छोटा सा भाई, प्यारा सा भाई, हमको उसका जाएगा। तो भाई ने हम लोग को बोला था कि मतलब 5 दिन बाद यहाँ पे होगा, तो मतलब उसका नाम क्या है भाई, आप लोगों को खुद ही बता रहा
देगा ना भाई साहब कोई কোন ক্লাসত পড়ি আছা?